Hey दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अम्मी और मैं जा रहे हैं किसी के घर में ओखली में हल्दी कूटने। ठीक, हमारे घर में तो है नहीं ओखली, तो पड़ोस वालों के घर में है ओखली, तो वहां अभी हम जाएंगे हल्दी कूटने। वैसे हम मार्केट से भी खरीद के लेके आते हैं हल्दी, लेकिन खेतों में ही बहुत सारा हल्दी हो जाता है। हल्दी को पहले खोद के निकालते हैं, हल्दी को खेत से, फिर उस हल्दी को धोके फिर उसको अच्छे से पकाते हैं। फिर पकाने के बाद उस हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद जब वो हल्दी अच्छे से सूख जाती है, तो उस हल्दी को ओखली में कूटा जाता है। चाहे तो मशीन में भी कूट सकते थे, लेकिन यहाँ मशीन तो है नहीं, तो इसलिए हम ओखली में कूटते हैं। मम्मी को बोला आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ करके। मम्मी रेडी हो गई है अच्छे से, ये चुन्नी उन्नी डाल के बिल्कुल आ रही है मम्मी ब्लॉग में आने के लिए। हैं अभी शायद बारिश होगी, तो ये कपड़े धो रखे थे उनको भी उठा लेते हैं, अंदर रख लेते हैं इनको भी। अखरी रोल है, यही है वो हल्दी। इसको कूट के लेके आना है, फिर अच्छा सा पाउडर बनेगा। ये बिल्कुल शुद्ध हल्दी ये हुआ, जो पहाड़ों की हल्दी होती है, बिल्कुल हम ही खुद उसको कूट के लेके आते हैं, हम ही खुद पाउडर बनाते हैं, उसके बाद यूज में तो हम ही करेंगे उसको। उसके बाद ज्यादा हल्दी हो जाता है तो वो बेच भी सकता है। मम्मी इसको प्लास्टिक में डाल ले यहाँ पर। मम्मी का कहना है यहाँ की खिड़की बंद कर दे और इसमें ताला लगा दे। ठीक है, अभी लगा दो। हम जा रहे हैं फिर पड़ोस वालों के घर में हल्दी कूटने के लिए। मम्मी मेरे को ये बताइए, हमारे घर में ओखली कहाँ गई? ओखली वो हो गई ना, पहले तो था। तो जो मकान बनाया ना, वो वहाँ पर दीवार दी तो वो ढक गया। अच्छा, और क्या क्या कूटते हैं मम्मी ओखली में? हैंड कूटना, जार कूटना, तम्बाकू कूटना, तम्बाकू ये हौद, मर्च, मिर्च का भी पाउडर कूट के ही बनाते हैं, ओखली में ही बनाते हैं वो भी। और हल्दी का तो अभी हम बनाएंगे पाउडर, फिर आपको दिखाएंगे। गांव में तो आजकल मशीन मशीन और मिक्सी मिक्सी नहीं चली ना, अब तो चल गए। तो मिक्सी में पीस लिए हैं। हमारे पास भी है फिर मिक्सी, उसमें क्यों नहीं डाला फिर हल्दी को? वो छोटा सा मिक्सी है ना। अच्छा, वो बड़ा वाला मिक्सी में पीसते हैं। हल्दी कूटने के लिए अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। हेलो मिस्टर। तो ये है वो ओखली जहाँ पर हम अभी हल्दी कूटेंगे। साफ सफाई कर दी है पहले और फिर राख डाल रहा है। ए मीनाक्षी, हल्दी कूटने हम मीनाक्षी के घर में आए हैं। ओखली को अब मैंने बना लिया है साफ सुथरा। यह कूटने वाला सामान संबल से कूटेंगे अभी। जो ये ओखली है, अब गांव में बहुत कम लोगों के घर में है, मिक्सी विक्सी में उसमें कूटते रहते हैं लोग, उसी में पीसते हैं हल्दी को या कोई भी चीज़ हो, लेकिन धान तो इसी में कूटा जाता है, फिर उसके छिलके अच्छे से निकल जाते हैं। इसमें लेके आए हैं हल्दी, ये है जिससे कूटते हैं, इससे कूटेंगे अभी हम। ये संबल को उल्टा कर रखा है, फिर उससे पसीने से ये हालत हुई है। मेहनत का फल बाबू भैया, मेहनत का फल। थोड़ा बहुत पाउडर जैसा ये बन गया है, कुछ बड़े बड़े हल्दी के टुकड़े अभी भी हुई है। अब इसको छन्नी से को थोड़ा सा छानना पड़ेगा। अब मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि जो ये मैंने हल्दी कूटा है, मेरी खून पसीने की कमाई है। यहाँ पे तो बन गया ये पाउडर, एक दो महीने के लिए तो हो ही जाएगा इतना, ये नेचुरल पाउडर। जो और बचा हुआ था दूसरी बार के लिए भी, इसको कूटना पड़ेगा अच्छे से। तो दोस्तों, अब हल्दी कूट के मैं अब आ गया हूँ घर को।
बारिश शुरू हो गई थी तो मैं वहीं रुक गया था जिनके घर में हम हल्दी कूटने गए थे। मम्मी आगे ही चले गई थी घर को क्योंकि गाय बाहर ही थे तो उनको गोट में बांधने थे। तो मम्मी पहले ही हल्दी लेके घर को चली गई थी और थोड़ा बहुत उन लोगों का भी कूटना था हल्दी, तो वो भी बहुत हेल्प मैंने भी कर दी। तो उसके बाद बारिश ही हो गई थी, बारिश होने के बाद मैं वहीं पे बैठ गया था। अब मैं घर को जा रहा हूँ लेकिन बारिश बहुत तेज हो गई है, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं पहुँच गया हूँ घर में, ये मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है। हल्दी कूटने के बाद हाथ थोड़े पीले हो गए, अभी बारिश से भीग गए थे तो धुल गए थोड़े हाथ, और ये हाथों की हालत ऐसी हुई है। ये पहले इसमें पानी टाइप का भर गया था, उसके बाद ये फूट गया तो ऐसी हालत हो गई हाथों की हल्दी कूटते कूटते। ये छोटा मिल्लू भी बोलना चाह रहा है कि कैसे हो सभी लोग करके माऊँ। मुझे लगता है ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर देना चाहिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।